toe. चलो जी करवा लीजिए कार्ड में टॉपअप। फ्रंट भी आज फिनिश चाइना टाइम आम का रश नंबर पे बुर्ज खलीफा है, दूसरे नंबर पे ये वाली बिल्डिंग है। हाँ जी की हाल है, वीडियो चल रही है ताकि है लोग सू बड़ा मिस कर रहे किधर। गुड मॉर्निंग, हैप्पी हॉलीडे। तो गाइस सुबह हो चुकी है, अभी अभी सो के उठाओ, 10:30 बज रहे हैं। तो मैंने कहा बाहर का व्यू चेक करते हैं, देखते हैं क्या माहौल है बाहर का। तो धूप चुप निकली हुई है जी, वो एक बंदा स्विमिंग भी कर रहा है, हम भी जाएंगे स्विमिंग करने थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दें बाहर का, यहाँ से विंडो से 7th फ्लोर से। और अभी मैं जनाब करने लगा हूँ ब्रेकफास्ट जी, मेरी कॉफ़ी आ गई, ये मेरी कड़ी पकौड़ा आ गया और ये मेरा नान आ गया। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे स्विमिंग के लिए। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तो चले आएँ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता है आज मेरी छुट्टी है ट्यूसडे की। तो नाश्ता हो गया, अभी मैं नीचे आ गया हूँ, अभी स्विमिंग का प्रोग्राम है, थोड़ी देर स्विमिंग करेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे दोस्तों को मिलने। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आज का दिन कैसा रहता है आइए मेरे साथ चलते हैं स्विमिंग स्टार्ट करते हैं। पहले वहाँ से शावर लेंगे। जो सन ये देखें धूप, अभी सुबह का टाइम है तो धूप का टाइट है, उम्मीद है कि बाद में मौसम अच्छा हो जाएगा। ये जी ठंडा ठंडा पानी होने कर लिए, पहले शावर लेते हैं। चलते हैं वो गहरी साइड से, तकरीबन 5+ फीट है यहाँ पे पानी गहरा। ये करते हैं इधर फोन रख के, अगर जुगाड़ लगता तो। जब कर लिया जी, मैं अकेला ही हूँ जी इस टाइम, कोई और नहीं है। इंजॉय करते हैं अपनी स्विमिंग अकेले। मौसम अच्छा है जी, स्विमिंग वाला है, धूप भी निकली हुई है और साथ में हवा भी चल रही है, मज़ेदार मौसम है। तो आ जाए भी जिसको स्विमिंग करनी है। तो नाक में पानी चला गया, उल्टा जंप लगाया ना। एंगल चेंज करते हैं यहाँ से और चेक करते हैं सही आए कि नहीं। देख जी ये सटिक बनी, अब व्यू भी ठीक आ रहा है पीछे से। और लेकिन ये है कि इधर पानी थोड़ा कम है, हाफ पानी है मेरे कमर तक। तो चल अब तुझे उधर लेके जाना पड़ेगा, चल फिलहाल थोड़ी देर इधर ही करती हूँ। पानी थोड़ा दिए, पानी थोड़ा इधर
स्पॉट फॉर मी। गहरे पानी में लेके जाना पड़ेगा लगता है। स्विमिंग हो गई है काफ़ी और धूप भी काफ़ी टाइट वाली निकल आई है। अभी चलते हैं ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं शाम में। चले भी आपका भाई रेडी हो गया और आज ही आपको लेके चलते हैं केएल सेंटर। वहाँ किससे मिलेंगे जाके हम? वो अपने घर गए हुए थे छुट्टी, 3 महीने बाद वापस आए हैं इंडिया से, तो उनसे कल बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि मैं आ गया हूँ, तो मैंने कहा चले फिर टॉपअप कराना। जी अपने कार्ड में रैपिड केएल में कार्ड है जी, यस बस में ट्रेन में कार्ड यूज होता है, तो मैंने कहा कार्ड में थोड़ा टॉपअप करवा लें। चलो जी करवा लीजिए कार्ड में टॉपअप और अब चलते हैं। हमारे सामने केएल टावर और मैं अभी सोगो पहुँच गया। सोगो के बाद आगे आएगा उत्तर आया जो लास्ट ऑफ है इसका। हम पहुँच गए सामने मंडिका आ गए, चाइना टाउन पहुँच गए। आसफ यहाँ से अब ट्रेन लेंगे LRT सेकंड स्टेशन आसफ सिंह से केएल सेंटर के। केएल सेंटर जाना है तो ये मैं अभी गुजर रहा हूँ जी आसफ सिंह चाइना टाउन। शॉप्स बनी हुई हैं, छोटे छोटे काउंटर, कुछ ओपन है कुछ बंद पड़े हैं। इसका फ्रंट भी आसफ सिंह चाइना टाउन और हमने जाना है सामने LRT। कैसी पतंग लग रही है, क्या बात है। काम का रश, छुट्टी का टाइम है तो आम अपने कामों पे आ रही है जा रही है। ट्रेन भी आ गई है और रश देखे सर, हमने एक स्टॉप ही आगे जाना, बहुत रश है अभी। दो क्लोज हो गया था जो कि बहुत फेमस है मलेशिया का। जब मैं फर्स्ट टाइम मलेशिया आया था तो मैं एयरपोर्ट से सीधा यहीं पे पहुंचा। ये है जी केएल सेंटर, हमें जाना है इस साइड। क्रॉस करेंगे नीचे उतरेंगे तो आगे ही मिलाते हैं आपसे पाजी से। पाजी इंडिया गए हुए थे आगे। ये भी मॉल बड़ा VIP है और मज़े की बात बताऊँ आपको, ये मॉल भी हमारे सामने तैयार था। 2013 में जब हम आए थे ये खाली था, कुछ भी नहीं था 10 साल पहले, और अब 10 साल में कितना डेवलप कर दिया है। सामने मोनोरेल का स्टेशन है जी, मोनोरेल भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, वो सामने खड़ी भी है। ये ऊपर ही चलती है, कैप्सूल सी है, इसके स्टाफ हैं सारे। खैर हमने तो मोनोरेल पे नहीं जाना, हम यहाँ से एक्सीलेटर से जाएंगे नीचे और नीचे मिलते हैं पाजी से। जी ये है वो बिल्डिंग जिसका मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो में भी जिक्र किया, जो एशिया की दूसरे नंबर पर ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। पहले नंबर पे बुर्ज खलीफा है, दूसरे नंबर पे ये वाली बिल्डिंग है। अभी ये स्टार्ट नहीं हुई, इसका काम अभी चल रहा है, मेरे ख्याल से इसी साल में इसकी ओपनिंग है जी। आ गए साढ़े भाजी, भाजी की हाल है, वीडियो चल रही है साड़ी है,
ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੋਰ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਓ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਿਆ ਕਣਕਾਂ ਛਣਕਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ ਕੇ ਸਾਥ। ਅਭੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸੀ ਕੇ ਲੀਏ। ਬੱਸ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਗੱਤ ਕੇ ਲਈ। ਬੱਸ ਕਾ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ 9 ਵਜੇ 8:15 ਹੋ ਗਏ। ਅਭੀ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਹਮਨੇ ਇਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ LRT ਪਕੜਨੀ ਹੈ। आ गया जी अपना स्टेशन पासर थे नहीं, यहाँ से फिर वॉकिंग ले जी एग्जिट हो गया। ये अपना बस स्टेशन आ गया सामने और इस साइड से बस आएगी 190 नंबर। चलो जी अब टेंशन नहीं है। अपना बस तो पहुँच गया। अपना बस चले जी मैं पहुंच गया अपने ब्लॉक में और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।